हाँ पूरा टूट गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भाई की ये पैंट, कल सुबह की बात है, रुमाल भी है और बेचारे का ऑटो एक्सीडेंट भी हो गया, वो गिर गया पलट गया। आपका भी इसी तरीका का फोन होगा और इस फोन के अंदर नहीं, मतलब मोस्टली जितने भी फोन आज की डेट में आप आ रहे हैं या आपके पास हैं या आप आगे खरीदोगे तो उनके अंदर इस तरीका की बैटरियां होती हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ओप्पो दिख रहा होगा और ये वीवो दिख रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर कोई भी फ़ोन आप परचेज करोगे उसके अंदर इंटरनल बैटरी होती है, वो नॉर्मल आप उस बैटरी को नहीं निकाल सकते, एक जो दुकानदार मिस्त्री होता उस बैटरी को निकाल सकता। और ये वीडियो दुकानदार भाइयों के लिए भी है और एज ए कस्टमर पर्सन के लिए, और जो दुकानदार भाई है, जितने भी भाई दुकानदार हैं, इस वीडियो को मेरी को शेयर करना कि आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों, ये है ओप्पो A53। यहाँ पर फोन की हालत आप देखें, पूरी तरह ये ब्लास्ट हो चुका है, बहुत ही बुरी हालत लग रही है, ज्यादा ही चोट लगी हुई है, इसकी पॉकेट भी जल गई, बहुत ही समस्या में मैं देख रहा हूँ कि फोन जेन्युइनली फटा हुआ है। और जेन्युइनली देखा आपने, आपके जो पॉकेट में फ़ोन है और उस पॉकेट के अंदर ये बैटरियां होती हैं, फ़ोन के अंदर ये बैटरियां होती हैं और ये बैटरी एक बम का रूप ले सकती हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि फ़ोन हमारा कब फट सकता है और किस कंडीशन में ऐसा होता है। तो देखो मेरी बात समझो कि आपको पता है कि इस टाइम जो टेम्परेचर है वो क्या चल रहा है, गर्मियों का माहौल है, गर्मियों में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कोई भी टीवी हुआ, LCD हो, कोई भी एनी आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हुआ, तो भाई अगर उसे आप ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा यूज करोगे तो वो हो सकता है कि ख़राब भी हो जाए, फट भी सकता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो ब्लास्ट का भी रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो देखो फोन फटने का कारण क्या, भाई फोन में से कुछ भी नहीं फटता, फोन में से सिर्फ फटती है बैटरी, फटती हैं सिर्फ बैटरियां, क्योंकि जो बैटरियां होती हैं उनके अंदर एक तरीका का स्टोरेज होता है, स्टोरेज जो वोल्टेज होती हैं, जो वोल्टेज बोलते हैं हम, कोई भी वोल्टेज स्टोरेज होती है, उसमें वोल्टेज कम से कम चार वोल्ट तक होती है। ये आप नहीं समझोगे क्योंकि ये हमारी भाषा, हम जितने भी हम मिस्त्री भाई हैं हम सबको पता है कि बैटरी 1.5 एम्पियर की होती है, 2 एम्पियर की होती है, और उसमें 3.5 होता है या कितना भी 12 बोल्ट होता है या 6 बोल्ट होता है, कितना भी 3 बोल्ट होता है, वो हम मिस्त्री लोग समझते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे। तो आप ये समझो कि आपकी जो बैटरी है, जितना बड़ा एम एच आजकल MAH का भी बहुत बड़ा कंडीशन चल रहा है, सभी लोग आगे को सब ये सोचते हैं कि हम फ़ोन लें ऐसा जिसके अंदर बड़ा MAH बैटरी हो और एक ही बार चार्ज करें, हम उसे 2 दिन चलाएं। भाई ये आपकी गलत सोच है, ऐसा कभी भी मत सोचो। और जो MAH कम रहेगा थोड़ा कम खतरा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा MAH रहेगा उतना ज़्यादा स्टोरेज रहेगा वोल्टेज का। हमेशा बैटरी जब फटेगी, जब आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी तो जब फट सकती है, बाकी जब आपके फ़ोन में 10% बैटरी है तो समझो उसकी बैटरी जो स्टोरेज है वो कम हो गया, उसका कोई फटने का कारण नहीं है। अब फटने का कारण ये होता है कि जैसे अब आपका फ़ोन है, एज इट फोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ़ोन की बात करेंगे, फ़ोन कब हीट होता है और कब वो फटने का कारण बन सकता है। देखो आपका फ़ोन है, आप उसे चला रहे हो और चलाने के अंदर नेट आपका ऑन है, आप डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, LCD स्क्रीन भी यूज हो रही है आपकी, आप कोई वीडियो भी देख रहे हो, आप कंटिन्यू मतलब उसे कोई रेस्ट का टाइम ही नहीं दे रहे और कंटिन्यू यूज करे जा रहे हो। तो फ़ोन क्या होगा, पहले तो आपका फ़ोन हीट होगा, आपका थोड़ा फ़ोन हीट होगा, और आजकल के जो स्मार्टफोन हैं आजकल के, तो वो बता भी देते हैं कि यूअर फोन टेम्परेचर हाई, और सैमसंग के फ़ोन तो सबसे पहले दिखा देंगे यूअर टेम्परेचर हाई, अदर मॉडल थोड़ा कम दिखाते हैं, लेकिन सैमसंग के फ़ोनों में ऐसे सेंसर्स लगा रखे हैं उन्होंने कि वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूअर फोन टेम्परेचर हाई, या कुछ एक दो और वर्ड हैं शायद मैं नहीं बता पा रहा, तो वो हैं, वो सबसे पहले सैमसंग के दिखाते हैं।
लेकिन जब आप उसे कंटिन्यू चलाओगे तो भाई वो फट सकते हैं। एक तो गर्मी का माहौल, फोन इतना हीट हो रहा और आप उसे कंटिन्यू चलाए जा रहे हो, तो भाई ऐसा मत करो। अगर आपके पास फोन है, आप उसे यूज करते हो और आपने नॉर्मली फोन में पॉकेट में रख रखा, तो भाई मैं आपसे सबसे पहले बोलता हूँ कि पहले ना फोन का डाटा ऑफ करो और कोई भी सर्विस कुछ भी करने की जरूरत है, सिंपल सा डाटा ऑफ कर दो, आप अपने पॉकेट के अंदर रख लो। अब जो ये वीडियो थी, उन्होंने भाई ने क्या किया होगा कि फोन के अंदर डाटा भी ऑन होगा, कुछ और भी चल रहा होगा, और उस भाई ने रुमाल में भी एजेट शायद लपेट के, जिस हिसाब से वो टेक्निकल दोस्त भाई की जो हितेश भाई थे, तो भाई उनसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ये वीडियो मैंने कॉपी पेस्ट की है तो ज़रा क्लेम मत करना, मतलब कॉपीराइट कंटेंट का वो मत दे देना, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि एक तो भाई ड्राइविंग कर रहा और दूसरे नंबर पे वो उन्होंने रुमाल में लपेट के शायद पॉकेट के अंदर फ़ोन धर रखा और नेट भी यूज होगा और कुछ और भी चल रहा होगा, तो भाई ऐसा हो जाता है। लेकिन सिर्फ आपको अपना फ़ोन यूज करना, तो भाई उसे सिंपल सा डाटा ऑफ रखो, जब आपको ज़रूरत है तो जब डाटा ऑन करो, ठीक है। और इस वीडियो में यही दो तीन वर्ड हैं जो आपके फ़ोन को फटने से बचा जा सकता है, बाकी और कोई नहीं है। और फ़ोन जब ही फटता है, जब आपके फ़ोन में बैटरी हाई होगी, आप उसे कंटिन्यू चलाए जा रहे हो, सबसे पहले फ़ोन हीट होगा, हीट के बाद कुछ एरर भी आ सकता है, यूअर फोन टेम्परेचर हाई वगैरह वगैरह, और जब वो लास्ट कंडीशन में जाके फटता। आपने भी कई वीडियो तो नहीं, कई इमेज देखे होंगे कि गेम खेलते खेलते, पबजी खेलते खेलते फ़ोन ब्लास्ट हो गया, उंगलियां जल गई या कुछ ऐसा होगा, वो कंडीशन यही होती है। एक तो फ़ोन कंटिन्यू चल रहा, बैटरी हाई, और उसमें ऊपर से चार्जिंग भी ठोस देते हैं भाई, जैसे चार्जिंग में लगा दिए, चार्जिंग में खेलते खेलते चल रहे हैं और उसे बस यही कारण होता फ़ोन फटने का, और कोई कारण नहीं है। फ़ोन के अंदर ऐसा और भी कुछ नहीं है कि जो फ़ोन ब्लास्ट हो जाए या कोई और हो जाए, बस एक ये जो फ़ोन के अंदर जो बैटरियाँ होती हैं ना, सिर्फ ये फटने का कारण है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये ओप्पो की बैटरी है, ये वीवो की बैटरी है, ऐसी ही इसी तरीका की ओप्पो वीवो रियलमी की सबके फ़ोन के अंदर ऐसी इंटरनल बैटरी होती हैं, और सिर्फ यही बैटरी फटने का कारण है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जो ये इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें भी ये देखो कि जो फ़ोन होता ना हमारा, फ़ोन ये वाला मेरा फ़ोन है, ये वाला फ़ोन है, तो इसमें ना इतना बड़ा इधर की साइड मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड भी मैं दिखा देता हूँ, ये मदरबोर्ड सिर्फ यहाँ पे लगा होता, ये देखो यहाँ पे लगा होता, बाकी जो इतना बड़ा हिस्सा होता उसके अंदर एक बैटरी स्टोरेज होती है, इस तरीका से बैटरी स्टोरेज होती है, ठीक है, ये स्टोरेज होती है, बाकी यहाँ पे नीचे चार्जिंग पॉइंट होता है और रिंगर डब्बी होती है, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ये देखो बस इसमें। और जो आप इमेज देख रहे हो वो कहाँ से फटा, सिर्फ यहाँ से फटा, तो मतलब जितना भी है ना, जितना भी है वो सिर्फ बैटरी से है और बैटरी के अलावा और भी कुछ नहीं है। तो बस यही मेरा वीडियो बनाने का, और सब हितेश भाई से मैं कहना चाहता हूँ, भाई रिक्वेस्ट है कॉपीराइट मत देना ये वीडियो, मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था बनाने की, पर मतलब काफ़ी दिन से नहीं, जिस दिन आपकी वीडियो देखी थी तो उसी दिन सोचा था, टाइम नहीं मिला, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई, तो प्लीज़ कॉपीराइट मत देना, और बस यही आपसे चाहता हूँ। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा, जितने भी भाई इस फोन को मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि फ़ोन का यूज क्या है। जब भी फ़ोन यूज ना करें तो सिंपल सा डाटा को ऑफ करके या वाईफाई को बंद करके फ़ोन को रखें, और जब आपको ज़रूरत है जब यूज करना, वरना मत यूज करो। गर्मियों में भाई हर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि एक तो ऊपर से गर्मी, और जब उसे चलाएंगे तो यूज करेंगे तो वे तो हीट होते ही होते हैं। और आपने देखा होगा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों में दिक्कत आती है, कंप्यूटर या लैपटॉप में हीट हो जाते हैं और चलने में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में कभी भी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ऐसी चीज़ चलती रहती है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं बनती, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि जो हाँ मेरे को मिले कि हाँ ये कुछ है। और जितने भी दुकानदार भाई हैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, शायद ये वीडियो आगे और भी कोई देखे, तो जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे फॉलो करो, अपने यार दोस्तों को बताओ, और जो आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनको बताओ और समझाओ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।